उनके धोए हमारे को याद आते हैं। आजकल कुछ दल लगाओ या व्यक्ति लगाओ, वो राजनीति क्या कर रहे हैं, आपस में धर्म के नाम पर लड़ाने की, आपस में जात पात के नाम पर लड़ाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन आपने देखा कि आगे विचार जो कबीर जी ने दिया था वो यही दिया, सब एक हैं, इंसान हैं, सब एक होकर आगे काम करेंगे। ये ठीक है कि हमने उनके धोए पढ़े, हमने किताब पढ़ी, बहुत सारे साथियों ने पढ़ी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके किताब नहीं पढ़ी, धोए नहीं पढ़े, लेकिन उनके विचार से प्रभावित हुए। और इसमें क्या 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 कहा उन्हें, क्या दुआ कहा, पहले क्या दुआ कहा, काल करे तो आज, आज करे तो अब तो अब, पल भर में प्रलय हो गई, बहुरे करेगा कब। जो वो कह गए सबके लिए ये है, जिसने कल करना है वो आज कर, जिसने आज करना है अब कर, एक पल में प्रलय हो जाएगी, कल का किसी को खबर नहीं। ये देखो उन्होंने बात कही, ये सबने सबक लिया, उनसे सबने सबक लिया। जैसे हमारे राव दान सिंह जी कह रहे थे, तो वो एक निंदक भी थे, तो उन्होंने कहा, निंदक नैन निंदक मेरे राखिए, आगो करे न दबार छवाल, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव, निर्मल रखो अपना भाव। बहुत सारे साथी मेरे को कहते हैं, खासतौर पे मेरे मीडिया के जो साथी है, ये बहुत बात चर्चा करते हैं, ये कहते हैं कि जी आप इतनी बार मुख्यमंत्री भी रहे, हर पद पे रहे, लेकिन आपने अपने विरोधियों के बारे में भी कुछ कैसी छोटी बात नहीं कही। आजकल तो विरोधियों पे कटाक्ष करने की राजनीति है, उसको बुरा सा बुरा कहने की राजनीति है। तो मैंने कहा, नहीं भाई, मेरे मार्गदर्शक कबीर हैं। कबीर क्या कह गए थे, कबीर कह गए थे, ऐसी वाणी बोलिए मन भाया होए, औस को शीतल करे आप ही शीतल होए, औरों को भी शीतल करे आप ही शीतल होए।